आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी की मेहनत रंग लाई। सोमवार 14 मई को 1984 सिख विरोधी दंगों में शामिल कहे जाने वाले सज्जन कुमार की मुश्किलें दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने बढ़ा दी, जिसमें कोर्ट ने SIT को 30 मई तक सज्जन कुमार का लाइव डायरेक्टर टेस्ट करवाने का आदेश दिया, जिसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कालका ने फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जाहिर की है। जिस तरह से कमेटी की तरफ से प्रयास किए गए थे वो सफल होते नजर आ रहे हैं। उम्मीद है 1984 सिख विरोधी दंगों में शामिल लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आइए सुनते हैं। मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, कई साल का ये जिहड़ा पेंडिंग चल रहा है लाइव डिटेक्टर टेस्ट जिहड़ा सज्जन कुमार नूं कोर्ट वालों ऑर्डर होया, बहुत वड्डी लड़ाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी और इस दे जिस वक्त दबाव पाया गया और कोर्ट नूं आखिरकार इस गल नूं मनना पिया और मंजूरी दिती है। मैं समझदा वां कि ये बिल्कुल अगर सज्जन कुमार इहदे विचों बचण दी कोशिश करेगा तो उत्थों पता चल जाएगा, मगर सानूं उम्मीद है कि जिहड़ा है 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जो टाइम रखे 30 तरीक का टाइम रखे उहदे विच उत्थे जाके जेकर लाइव डिटेक्टर टेस्ट च आ जांदे ने उत्थों बिल्कुल गल्लां साबित होणगियां। उत्थे च मैं यह नहीं कह सकता कि सारा कुछ पूरा साबित होएगा, मगर उहदे विच काफ़ी वड्डे खुलासे होणगे। सरकारां तों मेरे ख्याल उम्मीद लगानी सान लोगों नूं लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारां ने कुछ करना होंदा और दिल्ली सरकार जिहड़ी हुण 3 साल खत्म होण जा रहे ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिहदे विच 3-3 MLA उहनां दे सिख है, किसी ने भी कोई एफर्ट नहीं लिया इस चीज़ के उत्ते। मैं समझदा वा कि सरकारा तो असी ना ही उम्मीद रखी इस चीज़ की, मगर कोर्ट ने जिहड़ा कदम चुके असी उन्होंने शलाघा भी करते हैं, उन्होंने धन्यवाद भी करते हैं और इस लाइव डिटेक्टर टेस्ट नूं बिल्कुल पारदर्शी दे नाल कीता जाए और इहदे विच कभी कई खुलासे निकलणगे। बिल्कुल इन्ने लंबा समा जिस वक्त हो जाता है तो कई अफजे सबूत साफ हो जाते हैं जिहड़े अगर किसी नूं क्राइम करन वाले नूं 1/2 घंटे का भी समा मिल जाए, मगर मैं समझदा कि इन्ना 32-33 साल का जिहड़ा समा होया उहदे विच कई सबूत साफ करते गए ने कई, क्योंकि उहदे विच मैक्सिमम समय दे विच कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने अपने पिट्ठुओं नूं बचाउण वास्ते हर हीले अपनाए ने और CBI का हुण की रोल रहिंदा है ये तो हुण उस तों बाद ही पता चलेगा।